हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा व्लॉग मॉर्निंग से शुरू हो गया है। इस समय बजे हैं 8 और 8 बजे मैंने शुरू कर दिया है। और अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है क्योंकि मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, अब की बर्दाश्त ही नहीं हो रही और सर भी बहुत दर्द कर रहा है और कुछ तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है आज। तो कल मैं शाम को बाहर चली गई थी, थोड़ा सा काम था तो उसी में मुझे लगता हवा लग गई और ये मेरी नाक बहुत दर्द कर रही है, जल गई है हवा से, सर्दी से। तो और ये देखिए अभी मेरा बेटा सो रहा है, ये देखिए अभी मेरा बेटा सो रहा है और ये देखिए सारा काम पड़ा, अभी मेरा सारा काम पड़ा है, आटा सानी हूँ अभी और सब पड़ा हुआ है। ये देखिए सब मैं काम अभी समेटूंगी, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कल मैं ये देखिए लाई थी कुछ दाल वाल, तो वो भी झूला रखा हुआ है। बस यहाँ से अब शुरू है मेरा मॉर्निंग का रूटीन का कि क्या क्या करना है अभी मुझे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या कौन कौन से स्वेटर बनाए हैं और कैसे बनाए हैं। तो चलिए फिर आपको आगे मिलती हूँ। ये सब काम हो गया आज, मैंने ये देखिए किचन भी साफ कर दिया अपना, गंदा था और सारा काम हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम सारा काम हो गया, मैं नहा चुकी और बस अब थोड़ा सा हाथ सेक लूँगी और उसके बाद जो है आज मैंने बहुत काम किया। आज मैंने किचन जो है स्टोर वाली किचन थी वो मुझे बहुत गंदी थी, वो मुझे साफ़ करनी थी तो आज मैंने वो साफ़ कर डाली। और बाकी अभी देखिए ये लैया इतनी, ये देखिए इतनी लैया रखी है, मैं सोच रही हूँ इसको मैं भून के रख लूँ नमकीन बना के। और ये मेरा खाना भी रखा, सब हो गया मेरा काम मोस्टली। और ये तिल रखे थे मेरे, तो सोच रही हूँ मैं लड्डू बनाऊँगी तो उसमें मैं तिल में डाल दूँगी। और ये मैं किचन साफ़ हो गया बिल्कुल, ये देखिए अंधिक नहीं, ये देखिए पूरा मैंने साफ़ कर दिया है। और तो सारा मेरा काम कंप्लीट। तुम्हारा फ़ोन है किसका है, कंपनी है? वो रिचार्ज का होगा है? आज कितनी तारीख है देखो। हाँ तो आज मैं नहीं डलवाऊंगी अब नेट। मम्मी मम्मी नहीं, मैं नहीं डलवाऊंगी नेट, मैं नेट नहीं डलवाऊंगी, मुझे नेट नहीं डलवाना है, आप पढ़ो जाके। नहीं मेरा नेट नहीं खत्म होगा, मैं अपने नहीं, तुम्हारे फोन पे मैं नहीं डलवाऊंगी। चलो चलो पढ़ाई कर रहा, अपनी मेज आज साफ कर लो थोड़ी सी ना, तुमने बेड का डेस्कटॉप साफ किया, ये कहा था ना तुमसे क्या? आओ तुम मेरे से ही काम कर रहे हो, अब समझ में आया। कॉल तो आ जाती है, वो तो अलग बात है। और ये मेज साफ करो आज थोड़ी अपनी, और वो डेस्कटॉप साफ करो, दो साफ साफ करके रखो, समझ रहे हो हैं? इसको किताबें भी कायदे से रखो और ना पढ़ के उसको साफ करो। ये व्लॉग में बने रहिएगा और तो सारी काम हो गई, लाइट चली गई है तो अब मैं जा रही हूँ लैया को, मैं सोच रही हूँ भून लूँ मतलब, तो मूँगफली उमफली डाल के बना लूँगी तो नमकीन ख़त्म हो जाएगी, नहीं ऐसे रखी ही रहेगी धनिया, वो सॉरी धनिया कह रहा है लैया, तो उसको मैं कर डालूँ। और बाकी जो है सारे काम मेरे हो गए हैं और
खाना भी बन गया है मेरा। आज मैंने बनाया है बैगन भर के और रोटी, और कल मैंने पालक के दाल बनाई थी तो वो रखी है, थोड़े चावल चढ़ाऊंगी बस, क्योंकि इसकी बासी दाल बहुत अच्छी लगती है मुझे दूसरे दिन। और चावल बनाऊंगी गरम गरम चावल के साथ, मैं खाऊंगी वो, और लैया भूनूंगी। अब मैं कल परसों में किचन अपना साफ कर दूंगी, क्योंकि किचन भी गंदी हो गई है। ऊपर असल बात जाल है ना, ये दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखिए टीन पे जाल पड़ी है, तो वो जाल की वजह से धूल बहुत आती है मेरे, तो इसकी वजह से जो है गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसको मैं साफ़ करूँगी। आज मेरी आँख खुजली कर रही, पता नहीं क्या हो रहा है, सर्दी की वजह से है शायद। तो इतना काम कर चुकी हूँ और बस आगे फिर दिखाती हूँ आपको, स्वेटर भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया। चलिए अच्छा थोड़ा थोड़ा मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा मैंने सिल लिए हैं, चलिए आपको दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। रुकिए, ये मशीन का रख दो मशीन पे। बिट्टू दीदी को फ़ोन कर दो कि वो बन गया उसके कपड़े, कपड़े भैया के बेटी को सिल दिए हैं। ये देखिए अब मैं आपको बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ, देखो नहीं कि तो ये देखिए अब ये मोज़े बना रही हूँ मैं बस। हाँ ठीक, मैं कर देती हूँ। और देखिए ये छोटी सी, ये पूरा सूट है, आपको मैं लगा के दिखाती हूँ। ये अभी मैंने सिला है, अभी मैंने डोरियाँ मुझे काटनी है, फिर मुझे बटन लगाने हैं, अभी जाऊंगी मैं बटन लेने मार्केट, और दिखाती हूँ मैं आपको मैंने कैसा बनाया है टोपा तहत। ये देखिए अभी मोज़े बना रही हूँ, तो ये देखिए एक सूट ये बनाया है मैंने, कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा आप लोग। और एक ये बनाया है, एक ये पूरा सिर्फ ये स्वेटर है सिर्फ, और इसको भी अभी मुझे काट के, और सब में बटन अभी लगानी, मैंने बटन अभी नहीं लाई थी मैं, सबके बटन मैं सोचा इकट्ठे ले आऊँगी, तो एक ये बनाया है। और एक छोटा सा बिल्कुल लिटिल है, बहुत छोटा सा, मैंने तुरंत के बेबी का है, असल भाई ये तुरंत के बेबी का ही मैंने बनाया है, किसी को देना है मुझे। और तो ये देखिए अभी मैं डोरी वोरी सब काट दूंगी, फिर उसके बाद मैं उसकी फ़ोटो लगाऊंगी। ये एक मोजा कहाँ, अभी एक मोजा भी मुझे स्टिच करना है, एक ही मोजा, क्योंकि कल मुझे ये एक मोजा पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा था। तो ये देखिए एक ये है, कैसा लग रहा है ये बताइएगा आप। तो ये तीन स्वेटर मैंने बनाए हैं, और एक अभी जेंट्स का बन रहा है, वो अभी आधा पड़ा है, तो आपको वो दिखाती हूँ, मेरे सोफ़े पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके पल्ले अभी मुझे जोड़ने हैं। तो ये है जेंट्स स्वेटर, तो ये अभी मुझे कंप्लीट करना है। और बाकी ये छोटे छोटे बनाए हैं, और ये किसी को देना है, मतलब अपने रिलेटिव में ही देना है मुझे, इसके लिए मैंने बनाए हैं छोटे छोटे। अभी हुआ है बेबी, अभी 15 डेज़ का होगा, तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, ये वाला सूट बड़ा है, वो ब्लू वाला छोटा सा लिटिल सा बनाया है, क्योंकि वो तुरंत पहनने के लिए, क्योंकि ये सीजन उसके जाड़ा बचाने के लिए है, तो ये छोटा सा बनाया है। तो बताइएगा कैसे बने मेरे स्वेटर। तो चलिए मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों ने यहाँ तक देखा मेरा व्लॉग, इसके लिए शुक्रिया दिल से, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।